जानतरे सेवायाः कृते वारोहे अन्न भवद्यं विद्याशी श्री श्री स्वामी महादेव इति समानोपाधिं उपायनि करोमि कामये चास्य महिम मंडितस्य उपाधे आजीवनं परिधारणाय कृतं कुवरचे बोलम शिवला वो मेरा विषय मुझे कुछ और उस पर सरकार फैसला ले रही है। मैं समझता हूँ सरकार ने तुरंत उस पर फैसला लिया है, जो भी स्थितियाँ हुई सरकार ने बहुत जल्द से जल्द उस पर फैसला लिया। और मैं समझता हूँ न्याय के हित में भी ये होता है कि अगर कभी कोई दो चीज़ों के बीच में विरोधाभास अगर है, उन पर कोई आक्षेप है, सच है या गलत है, वो बाद में जांच का विषय है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी तन्मयता से निभाते हुए उन दोनों अधिकारियों को जाँच से अलग रखा और जाँच पारदर्शिता से हो इसका पूरा इंतजाम सरकार ने किया। 70 गाड़ियों में पत्थर भरकर पहुंच रहा है रामलला के मंदिर के निर्माण में, तो क्या अदालत के भी फैसले का इंतजार नहीं किया? देखिए, हमने कहा ना कि भारत सरकार, हमारी पार्टी और देश के करोड़ों लोग ये चाहते हैं वहाँ एक भव्य राम मंदिर बने, लेकिन वो कोर्ट के माध्यम से बने या आपसी सहमति से बने, लेकिन सबकी इच्छा ये वहाँ एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्मरण स्थलों में से अगर लुम्बिनी उनका जन्म स्थल नेपाल में मान लें तो 7 स्मरण स्थल भारत देश में है, जहां उन्होंने पहला संदेश दिया, तर्पण दिया। आज सारनाथ की इस पावन माटी में जहां हम बैठे हुए हैं, बोध गया हो, श्रावस्ती हो, ये वो सब 7 स्थान भारत भूमि में है। ये भारत की ताकत है, इस भारत की माटी की ताकत है, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम राजकुमार गौतम को महात्मा बुद्ध बना दिया, भगवान बुद्ध बना दिया। ये इस भारत की माटी की ताकत है, यही भारत की माटी की ताकत है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। ये भारत की माटी की ताकत है जिन्होंने पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल बना दिया। और हम इस गौरवान्वित माटी के वासी हैं, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि ये भारत आने वाले समय में विश्व के लिए विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेगा।